Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn about K-map. What is K-map? K-map is a pictorial form of truth table and it consists of a square boxes called cells. What is cells? Cells kya hote hain? Agar main yahan se daily life example dun to hum sab bahut hi familiar honge bingo games se. To hume pata hai ki bingo games khelne ke liye hame kya karne padte hain? छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर नंबर्स. इसी तरह हम यहाँ पर जितनी हमारी भी इनपुट होती है वो अपने इनपुट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने सेल्स बनाते हैं. जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैप कंसिस्ट करता है रोज और कॉलम्स पर. यहाँ पर हम स्टडी करेंगे टू वेरिएबल बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप. जैसे कि फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी. यहाँ पर देखने की उम्मीद है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इनपुट कितनी है और हमें कितने सेल्स बनाने हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इनपुट फंक्शन लिखा हुआ है. यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास इनपुट कितनी गिवन है. देयर आर ओनली टू इनपुट गिवन इन दिस फंक्शन ए एंड बी. इट मीन्स डैट कि हमारे पास इनपुट कितनी है, टू. उसी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. टू रेज टू पावर जितनी भी हमारे पास इनपुट है वो लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, फोर. इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक फोर सेल्स अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन. हमने वो सेल्स क्रिएट कर लिए. अब ये बॉक्सेस बना लिए. अब आप इन बॉक्सेस में देखें कि फर्स्ट बॉक्स में क्या नंबर आएगा. ए बार बी बार पुट कर दिया हमने. सेकेंड सेल में आप देखें ए बार बी आ गया. थर्ड बॉक्स में मीन्स थर्ड सेल में ए बी बार आ गया. फोर्थ सेल्स में हमारे पास ए और बी आ गया. हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को. हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कितना, फंक्शन कितना है. एफ इज इक्वल टू ए बी ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी. सबसे पहले अब अपना फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ए बार बी कहाँ लाए कर रहा है हमारे के मैप में. तो हेयर यहाँ पर हमारा ए बार बी यहाँ लाए करेगा, हमने वहाँ वन लिख दिया. और फिर हम देखेंगे ए बी बार कहाँ लाए कर रहा है, हमने वहाँ वन लगा दिया. मतलब जहाँ जहाँ हमें हमारी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इनपुट्स मिलती जाएंगी वहाँ वहाँ हम वन डालते जाएंगे. अब वन पुट कर लें, वन पुट कर लिया. इट मीन्स हमें तीन बॉक्सेस में वन मिल चुका है. अब उन्हीं तीन बॉक्सेस को हमने इवन नंबर्स में ग्रुप बना लेनी है. तो मैं इवन नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही लूँगी, टू टू के साथ. मैंने टू ग्रुप्स बना लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल ग्रुप को मैंने ग्रुप वन का नाम दे दिया और वर्टिकल ग्रुप को मैंने ग्रुप टू का नाम दे दिया. इसी तरह अब मैं ग्रुप वन जैसे कि लिख रही हूँ. ग्रुप वन में क्या आ जाता है, ए बार बी प्लस ए बी. अब यहाँ पर आता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं. जो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल जैसे हम मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कॉमन आता है उसको बाहर लिख लेते हैं, जो अनकॉमन होता है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं. हमने कॉमन चीज़ को बाहर लिख लिया और अनकॉमन चीज़ को अंदर लिख लिया. अब ये कैसे, जैसे कि हम मैथ में प्लस माइनस की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस अगर सेम वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं. इसी तरह अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज में दो वेरिएबल, दो डिजिट्स होते हैं, जीरो और वन. जैसे कि हमने नॉट गेट में पढ़ चुकी हैं. नॉट गेट में मीन्स के अगर जीरो है तो उसके ऑपोजिट होके वन आ जाता है, अगर वन है तो उसका ऑपोजिट होके जीरो आ जाता है. अगर इट मीन्स डैट अगर ए बार में जीरो है तो इट मीन्स ए में हमारे पास क्या होगा, वन होगा सपोज. तो ये हमारे पास दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो हमारे पास ग्रुप वन में आंसर क्या बचता है, ओनली बी. ग्रुप टू की बात देखते हैं कि ग्रुप टू कहाँ कहाँ लाई कर रहा है. जहाँ जहाँ लाई कर रहा है ग्रुप टू में उसके हम वेरिएबल्स लिख लेंगे, जैसे कि ए बी बार प्लस ए बी. और इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो ए है और बी बार बी कैंसिल आउट हो गए, पीछे आंसर क्या बचा, ओनली ए. अब कंबाइन कर देते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी को, तो हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या आंसर आ गया, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम के मैप को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं. सो बेसिकली के मैप फंक्शन को
मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मिनिमाइज करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, देखिए अगर मैं फंक्शन जैसे कि इसका जो क्वेश्चन में फंक्शन है ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, अगर ये क्वेश्चन होता तो आई थिंक इसका लॉजिक गेट बनाना हैज कम्पेयर टू डिफिकल्ट है। जो आपका अब आंसर आया एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसी वजह से के मैप को मिनिमाइज किया जाता है ताकि ये क्या रिक्वायर्स कर सके, इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ गेट्स, हेंस कॉस्ट भी इसकी क्या होगी लेस हो जाएगी। ये लॉजिक सर्किट बनाने में क्या होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है।